आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में भगवान के एक अत्यधिक प्रेमी भक्त सुदामा जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय भक्तजनों, सुदामा जी का नाम तो हम सब ने सुना ही है और खासकर भागवत में तो इनकी कथा, जब भी भागवत कथा होती है तो सुदामा जी की कथा अवश्य आती है। परंतु आजकल लोगों ने तो सुदामा को जैसे ऐसा बना दिया है कि वो बहुत गरीब हैं, धन मांगने के लिए भगवान के दरबार में गए हैं। ऐसा नहीं है, सुदामा जी तो प्रशांत भगवान को कहते हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। और सुदामा जी का भागवत जी में वर्णन है कि प्रशांत आत्मा, उनको भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके पास भगवान नाम का खजाना है तो भला फिर उसको क्या चाहिए। आजकल सुदामा को बड़े ही गलत तरीके से दर्शाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब श्री नाभाजी के अनुसार हम सब सुदामा जी का चरित्र कैसा है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति क्या विचार है, यही जानेंगे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के मित्र श्री सुदामा जी बड़े ही निष्काम हैं। उनको किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है, वे भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। उनके घर में अगर आधा किलो आटा भी ना हो, यानी बिल्कुल भी अन्न ना हो, तो भी वे बड़े प्रसन्न रहते हैं। उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, वे जितेंद्री हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के सखा हैं। एक ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह हुआ, उनका नाम है सुशीला। माता सुशीला भी उन्हीं के अनुसार चलने वाली हैं, वे बड़ी पतिव्रता हैं। एक बार माता सुशीला के दरबार पर भगवान खुद एक साधु बन करके आए और उनको कुछ प्रसाद दिया और कहने लगे, देवी तुमको मालूम है तुम्हारे जो पति हैं उनके तो श्री कृष्ण भगवान बाल सखा हैं, बालपन के मित्र हैं। जब सुशीला जी को ये पता हुआ तो उन्होंने अपने पति देव से पूछा, स्वामी मैंने सुना है कि श्री कृष्ण भगवान जो द्वारिका के राजा हैं आपके वे मित्र हैं, क्या आपका मन उनसे मिलने को नहीं करता है, एक बार उनसे जा कर के मिलाते और वे कुछ भी हमको देते प्रसाद स्वरूप तो हम उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते। सुदामा जी मन में घबरा गए। सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला तुमने कहा तो बहुत अच्छा है, परंतु सभी जितने लोग हैं उनमें मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे कलंक लग जाएगा, सब मुझे अर्थार्थी भिक्षुक ब्राह्मण समझेंगे और समझेंगे कि केवल धन के लालच से ही इसने प्रभु से मित्रता की है, मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, जो बिल्कुल भी गलत है, मेरे को धन द्रव्य कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सुशीला जी बोली, प्रभु आप हे स्वामी, प्रभु के आप दर्शन ही करके आ जाइए, उनसे आप कुछ भी मत कहिएगा, खाली दर्शन करके आ जाइएगा। फिर आकर के भगवान का स्वरूप, भगवान की जो रानियां हैं
वो कैसी हैं आकर के मुझे बताएंगे, मुझे बड़ा आनंद आएगा उनकी कथा सुन करके। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे कि भजन बिगाड़े कामिनी, सभा बिगाड़ी क्रूर, भक्ति बिगाड़ी लालची, केसर मिल गई धूर। ऐसा मन में सोचने लगे सुदामा जी। परंतु जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप वहां जाकर भगवान के दर्शन कराइए, तब सुदामा जी कहने लगे, प्रिय मैं चला तो जाऊंगा पर भगवान के लिए क्या भेंट लेके जाऊंगा, भेंट के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर माता सुशीला जो है वो बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, आप भेंट की चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भेंट लेकर के आऊंगी, फिर आप उसे लेकर के चले जाइए। इस पर भक्त जन एक भजन गाते हैं बड़ा प्यारा सा, वो हम भी यहाँ पर गाएंगे, वो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुशीला जी श्री सुदामा जी से कहती हैं कि बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के मित्र तुम्हारे, बालापन के मित्र तुम्हारे हैं वो नंद कुमार, तीन लोक के स्वामी हैं वो जग के पालनहार, द्वारिका को तुम जाओ मिलके उनसे आओ, द्वारिका को तुम जाओ दर्शन करके आओ, बालापन के मित्र तुम्हारे हैं वो नंद कुमार, तीन लोक के स्वामी हैं वो जग के पालनहार, द्वारिका को तुम जाओ दर्शन करके आओ, द्वारिका को तुम जाओ दर्शन करके आओ। कहे सुदामा सुन ले ओ बामन बात हमारी, कहे सुदामा सुन ले ओ बामनी बात हमारी, ढेला तक ना घर में तू क्यों करवावे ख्वारी, ढेला तक ना घर में तू क्यों करवावे ख्वारी, भेंट कहाँ उनको ले जाऊं, भेंट कहाँ उनको ले जाऊं, मन में सोच विचार, अरे हाँ मन में सोच विचार, द्वारिका को तुम जाओ मिलके उनसे आओ, द्वारिका को तुम जाओ मिलके उनसे आओ, बालापन के मित्र तुम्हारे हैं वो नंद कुमार, तीन लोक के स्वामी हैं वो जग के पालनहार, द्वारिका को तुम जाओ मिलकर उनसे आओ, सुन के बचन पिया के बामन चल दी हर्षाई, सुन के बचन पिया के बामन चल दी हर्षाई, गई पड़ोसन के घर अर मांग के चावल लाई, गई पड़ोसन के घर अर मांग के चावल लाई, बांध पोटली एक कपड़ा में, बांध पोटली एक कपड़ा में, पति के धरी अगाड़, पति के धरी अगाड़, मांग तुम उन द्वारिका को तुम जाओ दर्शन करके आओ, द्वारिका को तुम जाओ दर्शन करके आओ, लेकर लुटिया डोरी चलने की जुबत बना,
ले कर लोटा डोरी चलने की जुबत बनाए। अरे रात दिना की मंजिल अरे पहुँचे द्वारिकाई, रात दिना की मंजिल अरे पहुँचे द्वारिकाई। पहुँच गए वहाँ ठाड़े थे जहाँ, पहुँच गए वहाँ ठाड़े थे जहाँ, श्री कृष्ण के पहरे द्वार द्वारिका को तुम जाओ, मिल कर उनसे आओ। द्वारिका को तुम जाओ, मिल कर उनसे आओ। बालापन के मित्र तुम्हारे हैं वो नंद कुमार, तीन लोक के स्वामी हैं वो जग के पालनहार। द्वारिका को तुम जाओ, मिलकर उनसे आओ। अंदर जाकर श्री कृष्ण से कह रहे पहरेदार, अंदर जाकर श्री कृष्ण से कह रहे पहरेदार। दुर्बल से एक, निर्बल से एक, विप्र खड़े हैं द्वार। सुदामा नाम बताया प्रभु तुमसे मिलने आयो, सुदामा नाम बतायो प्रभु तुमसे मिलने आयो। अंदर जाकर श्री कृष्ण से कह रहे पहरेदार, निर्मल से एक, निर्मल से एक विप्र प्रभु जी आए तुम्हारे द्वार। सुदामा नाम बताया कि तुमसे मिलने आए, ना धोती ना कुर्ता वो तो नंगे पैरों आए, ना धोती ना कुर्ता वो तो नंगे पैरों आए। तन भी सूख गया है जन कब से भोग न पायो, तन भी सूख गया है जन कब से भोग नहीं पायो। बतलाता है स्वामी तुमको, बतलाता है स्वामी तुमको, बालापन का यार सुदामा नाम बतायो कि तुमसे मिलने आयो। सुदामा नाम बतायो कि तुमसे मिलने आयो। बालापन के मित्र तुम्हारे हैं वो नंद कुमार, तीन लोक के स्वामी हैं वो जग के पालनहार। द्वारिका को तुम जाओ, दर्शन प्रभु के पाओ। द्वारिका को तुम जाओ, मिलके उनसे आओ। सुन के नाम सुदामा प्रभु नंगे पैरों धाए, सुन के नाम सुदामा प्रभु नंगे पैरों धाए। ऐ मेरे यार सुदामा तुम पहले क्यों नहीं आए, ऐ मेरे यार सुदामा तुम पहले क्यों नहीं आए, ऐ मेरे यार सुदामा तुम पहले क्यों नहीं आए। भक्त जनो, जब सुदामा जी की पत्नी ने इस प्रकार से सुदामा जी को कहा कि आप द्वारिका को जाओ, उनके दर्शन करके आओ और उनसे कुछ भी नहीं लाना, और हमने अभी भजन के माध्यम से सुना कि सुदामा जी वहाँ जा पहुँचे द्वारकापुरी में, द्वारका जी जब गए वहाँ पर दरवाजे पर उनके पहरेदार खड़े हुए हैं। श्री सुदामा जी ने पहरेदारों से कहा कि तुम अंदर जा कर के खबर दे दो श्री कृष्ण को कि मैं उनका बचपन का मित्र सुदामा आया हूँ। पहरेदारों ने
अंदर जाकर के खबर दी कि प्रभु एक गरीब से ब्राह्मण आए हैं, दुर्बल से हैं, कमजोर से दिखते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से उन्होंने भोजन भी नहीं किया और कपड़े भी कुछ ऐसे ही पहन रखे हैं। हे प्रभु, वे आपको अपना बचपन का मित्र बताते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे मित्र सुदामा, ऐसे सुदामा नाम कान पड़ा, भगवान तो ऐसे भागे, कहीं उनका दुपट्टा गिरा, कहीं उनके मुकुट, कहीं उनके चप्पल, ऐसे नंगे पांव से ही भगवान भाग भाग करके गए। पीछे से रुक्मणी देखती हैं, उनके मंत्री इत्यादि सब सोचने लगे कि भगवान, हे प्रभु, आज ऐसा कौन आ गया जो कि भगवान ऐसे दौड़ रहे हैं। भगवान जैसे ही दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, थोड़ी देर तक तो भगवान जब सुदामा के सामने पहुंचे तो उनको टकटकी लगा करके देख रहे हैं, फिर ऐसे गले मिले सुदामा जी के और सुदामा जी ऐसे गले मिले भगवान के कि जैसे दोनों के शरीर एक ही हो गए हैं। बहुत देर तक जब एक दूसरे के गले से मिल करके ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे ये दोनों एक ही हो गए हैं, तब भगवान को याद आई कि सुदामा जी का शरीर तो बड़ा कमजोर है, कहीं मैंने इतने जोर से उनका आलिंगन किया है उनको कष्ट न हो रहा हो। ऐसे ही सुदामा के मन में भी विचार आया कि मैं तो इतना दुबला पतला हो रहा हूँ, हड्डियाँ हड्डियाँ निकल रही हैं, कहीं मेरी हड्डियाँ कृष्ण भगवान कृष्ण को चुभने रही हो। दोनों के मन में जब एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हुआ तब दोनों अलग हो गए। फिर कृष्ण भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जय जयकार हो गया, चारों तरफ से आनंद आ गया। अब रुक्मणी को इशारा किया कि रुक्मणी तुम पराद और पानी ले आओ, इनके मैं चरणों को पखारता हूँ, ये थक करके आए होंगे। जैसे ही भगवान ने उनका चरण उठा करके अपने गोद में लिया तो देखते हैं कि उनके पैरों में कांटे, ऐसे पैर में बिवाइयां फटी हुई हैं और उसमें कांटे कंकर फंसे हुए हैं। भगवान अपने दांतों से उनको निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं सुदामा जी, तो वो क्या गरीब हो सकते हैं? तो भगवान एक कवि लिखते हैं जिनका नाम है श्री नरोत्तम दास जी, कवि लिखते हैं, ऐसे बेहाल बिवाइनी सो भए कंटक जाल गूथे पग जोए, हाय सखा दुख पाए महा तुम आए तैन की तैदिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भक्त जनों, जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा सुदामा जी के पैर कितने फटे हुए हैं, उनमें कांटे भी चुभ गए हैं, जब हाथ से निकालने की कोशिश की नहीं निकले, तब भगवान ने अपने दांतों से उन कांटों को निकाला और इतने दुखी हो गए और रो करके अपने ही आंसुओं से उन्होंने भगवान के पैर धो दिए। पानी तो है पर उसको छुआ तक भी नहीं भगवान ने। कहने लगे कि तुमने हे सुदामा कितना दुख पाया, कितने दिन तुमने खो दिए, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, ऐसे करके भगवान बार बार रोते हैं। फिर भगवान ने उनके चरण धो करके बड़े आराम से उनको नए कपड़े पहनाए, भोजन भोजन कराया, फिर आराम से दोनों जब बैठ गए
तो जब वे शांतिपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते थे, भगवान ने उस समय की बात चलाई। सुदामा हम कैसे पढ़ते थे, कैसे खेलते थे गुरु जी के आश्रम में, कितना हमको आनंद आता था। ऐसे करके जब सारी बातें चलाई तो सुदामा बड़े प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। श्री भगवान फिर कहने लगे, सके सुदामा तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। जब कृष्ण भगवान ऐसा पूछने लगे तो सुदामा तो बड़े संकोच में आ गए, बड़े शर्म आ गए। सुदामा जी सोचने लगे, जिनका महल सोने का है, सोने के जिनके बर्तन हैं, सोने के ही सब हैं, तो उनको मैं क्या भेंट दूँ, कुछ नहीं कह पाए। तब श्री कृष्ण भगवान की नज़र उनके बगल में पड़ी, वहाँ उन्होंने एक पोटली छुपा रखी थी। श्री कृष्ण भगवान ने वो पोटली जबरदस्ती छीन ली और उसको खोल करके देखा तो उसमें चिड़वे रखे हुए थे। भगवान ने एक मुट्ठी चिड़वे इतने प्रेम से मेरे मित्र के लाए हुए हैं, जैसे अमृत से सने हुए हैं, ऐसा जान करके एक मुट्ठी मुँह में डाल करके उन्हें चबा चबा कर खाने लगे। फिर एक मुट्ठी और दोबारा पाने लगे। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान पाने के लिए तैयार हुए, रुक्मणी देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हे प्रभु, ये प्रेम रस में सने हुए, प्रेममयी अमृत में भीगे हुए, क्या आप अकेले ही सब पा जाओगे? हमको भी तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, हमारा हिस्सा भी कर दीजिए इसमें से। तब भगवान ने रुक्मणी जी को बाकी बचे हुए चावल रुक्मणी को दे दिए। इस प्रकार से भगवान अति प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण भगवान सुदामा से तरह तरह की बातें करते हैं और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि सुदामा जी, श्री नाभाजी वर्णन करते हैं, सुदामा जी 7 दिन तक द्वारिका जी में रहे श्री कृष्ण भगवान के वहाँ। इधर भगवान ने जो सुदामापुरी थी वहाँ जैसे द्वारिका है, द्वारिका जैसे ही वहाँ महल खड़े कर दिए, इतने सुंदर सुंदर महल बना दिए वहाँ। दास दासी सब जो माता सुशीला हैं उनके लिए नियुक्त कर दी। द्वारिकापुरी से भी सुंदर वो सुदामापुरी की उन्होंने रचना कर दी। सुदामा जी को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। जब 7 दिन के बाद सुदामा जी विदा हुए तब देखा सुदामा जी ने कि सोचने लगे किसी सेठ ने या किसी राजा ने अपना नगर बसा दिया होगा यहाँ, क्योंकि उनको तो देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया, यह तो वह नगर है ही नहीं, मेरी न कुटिया है और न मेरी पंडितानी है, वो सब कहाँ चले गए, सुदामा जी के मन में विचार होने लगा। ऊपर जब अपने महल के छज्जे में से सुदामा जी की पत्नी जो है सुशीला जी, उन्होंने देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं, फिर वे आरती का थाल सजा करके अपनी दासियों के साथ उनका आरती उतारने के लिए आई, आगे आई, तो सुदामा जी ने पूछा कि ये सब क्या है, ये किसने बना दिया है। तब सुदामा जी की पत्नी उनसे विनय करके कहने लगी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान आपके जाने के बाद भगवान ने ही ये सब बना दिया है, श्री कृष्ण ने ही ये सारा ऐश्वर्य हमको दिया हुआ है। ऐसा कह करके सुदामा जी की पत्नी उनको अंदर महल में ले गई। परंतु सुदामा जी ने तो अपना साधारण ही भेष बनाए रखा और जो भी जितना जरूरत था शरीर को, जितनी जरूरत थी शरीर को अन्न और वस्त्र की, उतना ही ग्रहण करते थे और भगवान के भजन कीर्तन में ही वे लगे रहते थे सदा। ऐसे सुदामा जी का चरित्र है। धन्य है सुदामा जी की भक्ति, धन्य है भगवान का सुदामा जी के प्रति प्रेम और धन्य है
सुदामा जी की भक्ति। इस प्रकार से हम आज यहाँ पर श्री सुदामा जी का जो चरित्र है उसका हमने आज यहाँ पर सुना है। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपको प्रणाम करते हैं। हरि ओम, शांति 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 ओम।